repeating tribute to Netaji and INA. Thank you. Thank you. Shri Imtiaz Jaleel ji. बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी. मैं आपका ध्यान ऐसे तबके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचती नहीं है, सदन तक पहुँचती नहीं है. महाराष्ट्र के हमालों के बारे में, इन्हें महाराष्ट्र के मराठी के अंदर माथाड़ी कहते हैं, यानी कि सरों के ऊपर जो थैले लेकर रेलवे वैगन से उतारते हैं या ट्रकों से उतारते हैं या मार्केट के अंदर काम करते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, उन्हें माथाड़ी कहते हैं. इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनका शोषण ना हो, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 25 साल पहले माथाड़ी बोर्ड्स बनाए. तकरीबन 36 ऐसे माथाड़ी बोर्ड्स बनाए हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में है. पुणे में है, कोंकण में है, नाशिक, औरंगाबाद में है, नागपुर, अमरावती, ऐसे 36 बोर्ड्स बनाए गए हैं. इनका मकसद यही था कि इन माथाड़ियों का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, कोई शोषण ना करे. हो रहा यह है कि इनका जो भी जो मेहनत करते हैं वो डायरेक्ट पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है, बल्कि वो पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास जाता है. उसका चेयरमैन जो होता है वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज होता है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है हमारा उसके बारे में. लेकिन मेहनत मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, वो मजदूर कर रहा है, 30% पैसा जो है वो माथाड़ी बोर्ड अपने पास रख लेता है और सिर्फ 70% देता है. अब अगर पिछले 25 सालों का अगर हिसाब निकाल कर देखें तो जो 30% ये अपने पास रखता है बोर्ड, उसमें से 12% कंपोनेंट जो है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. नाउ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत अगर किसी भी संस्था के संगठन के अंदर अगर 22 से ज्यादा कर्मचारी है तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट के अंदर जमा होना चाहिए. ये लाखों मजदूरों का पैसा पीएफ के नाम के ऊपर से जमा तो किया जा रहा है, लेकिन एक रुपया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट के अंदर नहीं जमा किया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है. मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि अगर इसके ऊपर अगर सीबीआई की इंक्वायरी की जाए तो मैं समझता हूं कि जितने भी ये 36 बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड है ये सब अंदर जाएंगे. लेबर डिपार्टमेंट, जिनकी जिम्मेदारी होती है इन मजदूरों की देखरेख करने का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी. तो मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द ये पूरा पैसा जो बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर रखा है, इसे फौरन पीएफ अकाउंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शिफ्ट होना चाहिए. थैंक यू. जगदम्बिका पाल जी, एक मिनट सबके लिए प्लीज. 3 मिनट बोले नहीं, एक एक मिनट. मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया.